अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन पिछले 6.5 सालों में अयोध्या में दर्जनों ऐसी बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई जिन्होंने अयोध्या की तस्वीर को बदल के रख दिया। चाहे ये राम पथ हो, धर्म पथ हो, भक्ति पथ हो, या फिर अयोध्या में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये वे बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में शायद ही अयोध्या के लोगों ने कल्पना की होगी। उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। भारत के सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है अयोध्या। बदलती अयोध्या में रामनगरी की गलियों को भी चमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को 16 सिटी के तौर पर विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवधपुरी का विकास 8 परिकल्पनाओं के आधार पर किया जा रहा है। इन परिकल्पनाओं में सांस्कृतिक सक्षम, आधुनिक, सुगम्य, सुरम्य, भावात्मक, स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या शामिल है। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवधपुरी का चहुमुखी विकास हो रहा है, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर 30,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 178 परियोजनाओं के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों के अलावा बेहतर कनेक्टिविटी और सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित करने की कवायद और तेज कर दी गई है। और इसी दिशा में 73 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम के 15 वार्डों की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं इस वक्त चल रही हैं। जिस अयोध्या का बुनियादी ढांचा कभी जर्जर हो चुका था, आज वही अयोध्या विकास की नई गाथा लिख रही है। सड़क, फ्लाईओवर और दर्जनों बड़े होटल इस वक्त अयोध्या में निर्माणाधीन है। तो वहीं अयोध्या के अंदर तकरीबन 1800 एकड़ में नव अयोध्या बसाने की भी तैयारी है। सुगम्य अयोध्या के रूप में इस नगरी को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण सहित रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, सोलर सिटी, ग्रीनफील्ड टाउनशिप जैसी तमाम योजनाएं नव्य अयोध्या की परिकल्पना को हकीकत में बदल रही हैं। वहीं सुरम्य अयोध्या के रूप में शहर के विभिन्न कुंडों, तालाबों और प्राचीन सरोवरों के सौंदर्यकरण का कार्य भी तेजी से संपन्न किया जा रहा है। अयोध्या नगरी के सौंदर्यकरण और स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद अयोध्या में साफ सफाई से लेकर ड्रेनेज और सीवर सिस्टम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अयोध्या में बदलाव पूर्तियां कम हो चुका है। जब से नगर निगम अयोध्या 2017 में बना, हर तरफ गली चौड़ी हो जा रही है। राम मंदिर के कारण लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो रही है। बहुमंजिले इमारतें बन रही है। नगर निगम द्वारा लोगों को अच्छी सुविधाएं दिया जा रहा है। हर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, लोगों को अच्छी अच्छी सुविधा मिले। जन्मभूमि जाने के लिए 4 लेन रास्ते का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की सहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर के मार्ग को राम पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मार्ग कभी 40 फीट चौड़ा हुआ करता था, अब 80 फीट हो गया है। ईस्ट ही नहीं, इस मार्ग पर 16 लाइट व सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं और मार्ग के डिवाइडर पर हरियाली विकसित की जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस स्टॉप और 5 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। अयोध्या महानगर पालिका हुई तो लेकर के यहाँ से अब पूरा बाजार तक पूरी अयोध्या बढ़ गई। उसके बाद में स्टेशन नया बन रहा है, बढ़िया भव्य स्टेशन बना। राम मंदिर बनी रहा है, उसके द्वारा नया घाट से लेकर के और वहाँ शहादतगंज से जो बनवे सड़क बन रही है, इस तरह से घाटों का निर्माण हो रहा है। चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, या फिर जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी बात हो, सड़कें हो, रोड, गलियां, ये सारी चीजें, एक जो भौतिक बदलाव है अयोध्या का वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही जो अयोध्या के लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रोजी रोटी के जो आय के साधन थे उनमें भी इजाफा हुआ है।
श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अयोध्या में मुख्य तौर पर 3 मार्गों का विकास किया जा रहा है। इसमें राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ अयोध्या को नई ऊंचाई और उसकी पुरानी पहचान देंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर नगरी के रूप में राम नगरी विकसित हो रही है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। साल 2017 में जब सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब सीएम ने ये साफ कर दिया कि अयोध्या का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। देखा जाए तो पिछले 6.5 सालों में अयोध्या में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। अयोध्या के प्रति ये सरकार की प्रतिबद्धता ही थी कि जो अयोध्या विकास की दौड़ में पीछे छूट गई थी, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।